राजधानी जयपुर में चौमुथाना इलाके के एनएच 52 पर शुक्रवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आनंदलोक कॉलोनी निवासी लोगों ने टांटियावास टोल नाके पर टोल राशि बचाने के लिए कॉलोनी से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अधिकांश वाहन टोल बचाने के चक्कर में आनंदलोक और रामपुरा होकर गुजरते हैं, जिससे आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। साथ ही हादसों में भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके विरोध में शुक्रवार को सरपंच शैलेश बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। इधर स्थानीय लोगों ने रामपुरा डाबड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता अजीत चौधरी। अजीत, क्या है मामला? लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है। देखिए आशीष, राजधानी के चौमू इलाके का पूरा मामला है, जो टाटावास टोल प्लाजा के आनंदलोक कॉलोनी में आज लोगों ने आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो टोल बचाने से लेकर के है कि जो वाहन है वो कुछ टोल के कुछ पैसे बचाने के लिए आनंदलोक योजना से होकर के गुजरते हैं, जो कि एक आवासीय योजना है और वहां लोगों की जान आफत पे बनी रहती है। जी आशीष, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुलिस ने समझाइश भी की है, क्या कुछ सहमति बन पाई है? देखिए यहां लगातार हादसे होते आ रहे थे, जिसके लेकर के आज जो सरपंच है शैलेश बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने आनंदलोक जो कॉलोनी है उसकी सड़क पर जाम लगाने का प्रयास किया था, लेकिन चौमू थाना अधिकारी है प्रदीप शर्मा वो मैच जाता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश करके मामला शांत करवाया और जाम को खुलवाया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अजीत चौधरी, जिन्होंने बताया कि पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है।